अच्छा, लेमन कर्ड बनाने के लिए आपको मक्खन चाहिए 125 ग्राम, और उसमें आप चीनी डालेंगे, कैस्टर शुगर जी, कैस्टर शुगर 125 ग्राम। दोनों को हल्की आंच पे रख के आप हिलाएं। अच्छा, मैं अगर आप लोगों को एडवाइस करूँ ना, तो डबल बॉयलर पे करिएगा, ताकि वो बिल्कुल कर्डल ना हो। थोड़ी मेहनत होगी, लेकिन पानी के ऊपर रख के करें, हल्के हाथ से उसको करें, जब तक कि चीनी और बटर मेल्ट हो जाए। फिर आप उसमें 12 अंडे डालेंगे, एक एक दो दो करके, राइट? नहीं, एक ही साथ स्टेन करके। हाँ, छान के डालना है। 12 अंडे लेंगे जर्दी, और उसको आप मिक्स करके उसको छान लीजिएगा। छानने के बाद आपको बटर और चीनी के मिक्सचर में डालेंगे छनावा, और उसको अच्छी तरह से विस्क से आपको उसको हिलाना है, हल्की आंच पे हिलाना है, ताकि वो थिक हो जाए, बबल्स आने लग जाए ऊपर। जब बबल्स आने ऊपर लग जाए, इसका मतलब आपका लेमन कर्ड तैयार है। आखिर में डालेंगे लेमन जूस? नहीं, जर्दी के साथ ही डालना है आपको। लेमन जूस 70 ग्राम जर्दी के साथ डालेंगे आप, ठीक है? ये देखें इनका लेमन कर्ड। ये आपने चीनी से बनाए जी? लोकल बिस्किट्स यूज़ कर रहे हैं शेफ़ शाहिद, जो के बीटेबल्स होते हैं आपके, वो बिस्किट ले लिए हैं 150 ग्राम। उसको क्रश करने के बाद उसमें 60 ग्राम मेल्टेड बटर मिक्स कर लिया है, और अब इसको रिंग में, रिंग है, रिंग, ये आप पैन में भी इसको डाल सकते हैं, मेरे पास रिंग है जो कि आपको बेक हाउस से मिल जाएगा। ये बड़ी आसानी हो जाती है इसमें निकालने में। और बिस्किट को पाउडर बनाना है, वो तो आपको पता ही है, कॉमन सी चीज़ है। उसमें मेल्टेड बटर डाल के सबसे पहले उसको नीचे लगा लेना इस तरह से, बटर अगर कम लगे तो थोड़ा सा बटर आप और डाल सकते हैं, इतना कि बस ये आपस में जुड़ना शुरू हो जाए। अच्छा, कभी कभार लोगों की ये शिकायत आती है, शायद इसका मसला हल करें जी जी, कि जब सेट हो जाता है चीज़ केक, और जब वो चीज़ केक को काटते हैं तो बिस्किट टूट जाते हैं। हाँ, टूट जाता है, नहीं सख्त हो जाता है, वो अलग हो जाता है, चीज़ मिक्सचर आ जाता है, बिस्किट नीचे ही रह जाता है। अच्छा, उसकी वजह ये होती है कि उसमें बटर थोड़ा कम होता है, और आप लोग इसको अच्छी तरह से प्रेस नहीं करते। इसको अच्छा, प्रेस मैं करने ये समझती थी कि बटर ज़्यादा होता है। नहीं, अगर देखें ये बिल्कुल इस तरह से क्रम्बल होगा, हाँ, तो इसमें बटर कम होगा। अच्छा, जैसे आप इसको निकालेंगे काटेंगे तो ये टूट जाएगा। नहीं, ये टूटना नहीं। अच्छा, वो अलग हो जाता है? नहीं, अलग नहीं होता, वो टूटता ही नहीं है, सख्त हो जाता है। अच्छा, सख्त हो जाता है। हाँ, उन्होंने लगाया, इतना मोटा होता है। अच्छा, इसकी जो लेयर होती है नीचे, बस 2 सेंटी होनी चाहिए। अच्छा, ये ना हो कि आधी इंच या 1 इंच कुछ लगा लेते हैं तो फिर वो सख्ती होगा ना। अच्छा, वो सख्त होता है, और फिर वो चीज़ केक के साथ, चीज़ केक जब आप काटो तो वो अलग हो जाता है, वो निकलता नहीं है, और चीज़ केक बाहर आ जाता है, बाहर आ जाता है, इसी तरह से है। इसको लगाने के बाद आप चाहें तो इसको थोड़ा सा फ्रिज में भी रख लें, ताकि ये सेट हो जाए। जितनी देर आप बैटर इसका रेडी करते हैं, ओके, उतनी देर आप इसको फ्रिज में रख लें। ठीक है, ये लो। ओह वाओ, इतना ही रखा करें, इक्वल। अच्छा, अब आप इसके मिक्सचर पे आ जाइए, फिलिंग पे। क्रीम चीज़ चाहिए आपको 300 ग्राम्स। कौन सी क्रीम चीज़ ली आपने? टब वाली। हाँ, पक्की मैंने क्रीम चीज़ ली है, लेकिन टब वाली ली है, बोतल वाली नहीं। कोई से अब ब्रांड ले लें आप, टब वाला, बॉटल वाली नहीं लेनी है। 300 ग्राम चीज़, क्रीम चीज़। जब आप इसके पैकेट को खोल देते हैं तो इसमें हल्का सा पानी होता है, वो पानी निकाल दिया करें। ठीक है, इसको मैं मेल्ट करूं जी? सॉस पैन में या माइक्रोवेव? ऐसे ही माइक्रोवेव में कर लेते हैं। आइसिंग शुगर,
इसमें चीनी जो है 60 से 70 ग्राम भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें 50 ग्राम डाली है। क्रीम जाएगी, हैवी क्रीम, जो कि टेट्रा पैक क्रीम होती है। आप अक्सर पूछते हैं कि हैवी क्रीम क्या होती है। टेट्रा क्रीम जो टेट्रा पैकिंग में होती है उसको हैवी क्रीम कहते हैं। टेट्रा पैक क्रीम को आप हैवी क्रीम कहते हैं? जी बिल्कुल। अभी मैंने इसमें ऐड किया है विप विप क्रीम लिक्विड वाली। अच्छा, रेसिपी में दोनों तरह की लिखी हुई है। हाँ। विप क्रीम विप भी लिखी हुई है, लिक्विड भी लिखी हुई है। ठीक है, 100 ग्राम्स वो है, 100 ग्राम्स जी लिक्विड मैंने डाल दिया इसमें। लेकिन बहुत अच्छा फ्लेवर आया लेमन का। अभी इसमें ये विप विप क्रीम जाएगी। ठीक है, ये विप्ड है, एकदम ट्रांसपेरेंट हो गई। वाओ, ठीक है जी, अब ये इसमें जाएगी। आई नेवर न्यू दिस। ठीक है, अभी इसको मिक्स करना है और पैन में डाल के इसको 3 से 4 घंटे के लिए जमा लेना आपने। ठीक है, उसके बाद इसकी टॉपिंग होगी। ठीक, लेमन कर्ड चीज केक अज्जा, क्रीम चीज 300 ग्राम, क्रीम 200 ग्राम, आइसिंग शुगर 50 ग्राम, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, विपी विप लिक्विड 100 ग्राम, विपी विप क्रीम 100 ग्राम, जेलेटिन शीट 6 से 7 अदद, बिस्किट क्रम्स 150 ग्राम, पिघला हुआ मक्खन 60 ग्राम, मिनी चीज केक 6 मोल्ड। लेमन कर्ड के लिए मक्खन 125 ग्राम, चीनी 125 ग्राम, अंडे की जर्दी 12 अदद, नींबू का रस 70 ग्राम।